अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती हारून नदवी। आइए डालते हैं एक स्पेशल खबर पर नज़र। नाज़रीन, गुज़िश्ता 7 तारीख को दिल्ली में अल्पसंख्यक का राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस की तरफ से लिया गया। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के तमाम लोग वहां पर तकरीबन हाजिर रहे। हर शहर, हर जिले से राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग जनाब नदीम जावेद साहब की दावत पर सब लोग दिल्ली पहुंचे और राष्ट्रीय अधिवेशन लिया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब राहुल जी गांधी वहां पर खुसूसी तौर पर मौजूद रहे और अखीर में उनका बहुत ही अहम और डायनामिक खिताब हुआ। लेकिन इस मौके पर एक चीज देखने मिली कि शहर मुंबई से ताल्लुक रखने वाले एमएलए और एक्स मिनिस्टर जनाब आरिफ नसीम खान साहब ने उस वक्त जो 10 मिनट के अंदर अंदर जो तकरीर की, जो स्पीच की, यकीनन वो दिल को छू गई कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में आरिफ नसीम खान साहब ने खुलकर कांग्रेस की हाई कमान को, आला कमान को, कांग्रेस के तमाम जिम्मेदारान के सामने ये बात कही कि मध्य प्रदेश की हुकूमत ने, जहां पर इस वक्त कांग्रेस की हुकूमत बनी है, वहां के सीएम कमलनाथ ने गौरक्षा के इल्जाम में 3 मुसलमानों पर एनएसए लगाया, ये कानून थोपा। राष्ट्रीय अधिवेशन में आरिफ नसीम खान साहब ने खुलकर यह कहा कि अगर भाजपा की हुकूमत होती तो यह कहा जाता, लेकिन अब वहां हमारी ही हुकूमत है, हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और दो टोक अंदाज में आरिफ नसीम खान साहब ने उस वक्त यह भी कहा कि कांग्रेस इस बात को समझे कि मुसलमान, खास तौर से मुल्क का मुसलमान, सारी चीजें बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन शरीयत में किसी भी किस्म की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़े बेबाक अंदाज में, जुरत और बेबाकी के साथ आरिफ नसीम खान साहब ने वहां पर मुसलमानों के मसाइल पर बेबाक गुफ्तगू की, खिताब किया। मैं खुद हॉल में वहां पर मौजूद था, डाइस के सामने मैं मौजूद था। मैंने आरिफ नसीम खान साहब की पूरी तकरीर को रिकॉर्ड किया, वीडियो किया, जो आपके खिदमत में पेश है। राहुल गांधी आगे बढ़ो, राहुल गांधी आगे बढ़ो, देश के नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। शुक्रिया। आज के इस इजलास में मौजूद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर और आज के इस जलसे के सदर जनाब नदीम जावेद साहब, नदीम जावेद का इस्तकबाल है, क्योंकि पहली बार अकलेती सूबे का इजलास इतना आन बान शान के साथ यहां पर मुनक्किद हुआ है, उसकी पूरी क्रेडिट में नदीम जावेद साहब को और उनके सभी साथियों को देना चाहिए। आज हमसे पहले सभी हमारे सीनियर्स ने, सभी लीडरों ने आज के हालात के बारे में आप सबसे गौर करने की गुजारिश की। आज मुल्क में क्या हालात बने हैं, खास करके 2014 से लेकर आज तक किस तरह के मुल्क में माहौल बनाने की एक कोशिश एक साजिश के तहत की जा रही है, और ये साजिश आज से नहीं, मेरा मानना है कि मुल्क की आजादी के पहले और आजादी के बाद से मुसलसल आरएसएस की सोच इस मुल्क में लागू करने के लिए की जा रही थी। लेकिन पिछले 4-5 सालों में इस मुल्क में अकलियत और अक्सरियत के बीच में जिस तरह से दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई है, उससे हमारे मुल्क का बड़ा नुकसान हुआ। आज
हमारे मुल्क का आईन, हमारे देश का संविधान कहीं ना कहीं खतरे में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। संविधान को बदलने की वक्त वक्त पर कोशिश और साजिश की जा रही है। कभी SC ST बिल में मदाखलत करने के लिए और कभी 3 तलाक के नाम से कॉमन सिविल कोड इस मुल्क में लागू करने की एक सोजिश समझी साजिश की जा रही है। आपने देखा पिछले दिनों किस तरह से 3 तलाक के नाम पर शरीयत में मदाखलत की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान, दुनिया का मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, बहुत अच्छा, लेकिन अपनी शरीयत में किसी की मदाखलत नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये हक हमें इस मुल्क के कानून ने दिया है। इस मुल्क के हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबको अपनी मजहबी आजादी के साथ रहने का हक इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है और वो कॉन्स्टिट्यूशन कांग्रेस के जरिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें दिया और उस कॉन्स्टिट्यूशन को भी बदलने की कोशिश और साजिश की जा रही है। अरे ये कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं रहता, मैं एक बार जोर से और कहना चाहता हूं, अगर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में नहीं रहता तो ये मुल्क तार तार हो गया होता। और ये कॉन्स्टिट्यूशन मोदी जी शायद भूल गए हैं कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, इसी संविधान की वजह से गुजरात का एक चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। ये संविधान ने इस मुल्क के सभी लोगों को बराबर का हक और दर्जा दिया है, वो बरकरार रहना चाहिए और उसको बरकरार करने की लड़ाई इस देश में अगर कोई लड़ रहा है तो हम सबके नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं। उनको पूरी ताकत देने का काम है और आप सबको देश के सभी लोगों को करना होगा। यहां पर रोशन बेग साहब ने एक बात कही, रोशन बेग साहब, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं। नदीम जावेद साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है, खास करके राजीव साहब यहां पर बैठे हैं, मैं उनसे उनको भी मुखातिब करना चाहता हूं कि अकलियत की जो मसाइल है, अकलियत के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर अत्याचार करती है, अन्याय करती है, जुल्म करती है, तब तो हमें समझ में आता है कि ये RSS की सोच पर चलने वाली सरकार है, इसलिए जुल्म कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में हमारी ही सरकार ने जो MSA जैसा कानून बनाकर 3 लोगों पर लगाया है, ठीक है, लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हम उस कानून की मुखालफत भी नहीं करना चाहते, क्योंकि इस मुल्क के हर मजहब के लोगों की हम इज्जत करते हैं। किसी भी हमारे हिंदू भाइयों की अगर गाय उनका रिस्पेक्ट है तो उस रिस्पेक्ट को हम मानते हैं और हर हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान उसका आदर करता है, उसे करना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ अगर गौ रक्षा के लिए हम अगर MSA जैसा कायदा लागू करते हैं अपनी रियासत में तो गौ रक्षा के नाम पर बेगुनाह अकलियतों पर जो जुल्म करते हैं, जो उनकी जानें लेते हैं, उनके ऊपर भी MSA के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत अच्छा, उनको भी जेल के पीछे डालने का काम, कड़ा कानून बना के करने की जरूरत है, क्योंकि आज मुल्क में सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी हमारे अकलियत के लोगों को अगर है तो इन्हीं तमाम सारी बातों से है। इसे हमें आगे ले जाना होगा। और मैं आपसे एक और बात करके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। मैं समझ गया हूं मेरा वक्त क्योंकि पीछे आकर खड़े हो चुके हैं। एक लड़ाई बिल्कुल मौत फिरका परस्तानों के खिलाफ इस मुल्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की क्यादत में कांग्रेस पार्टी ने 1947 के पहले लड़ी थी। दूसरी लड़ाई अब हमें इस मुल्क से फिरका परस्ती को नष्ट नाबूद करने के लिए राहुल गांधी जी की क्यादत में लड़ना होगा, ताकि इस देश को फिरका
پرستی سے نجات دلایا جا سکے اور اس ملک کو امن اور پیار اور محبت کا گہوارہ جو کانگریس کی دین ہے اسے بنایا جا سکے, اس کو رکھا جا سکے. یہ میں کہہ کے آپ سب کو ڈھیر ساری مبارکباد دیتا ہوں. شکریہ. جے ہند.